जैसे कि अपने जो क्लास नाइन्थ के लिए अपना टॉपिक चल रहा था गति का, गति का जो ये जो लेसन चल रहा था इसमें अपनों ने त्वरण, विस्थापन, दूरी ये सब चीज़ें क्या है कर चुके हैं। अब अपने ये जो समय, चाल, दूरी ये सब चीज़ें हैं ना, इनका अपने ग्राफ या निरूपण करेंगे, ग्राफ से इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ में, और उसके बाद इसको मैथमेटिकल डेरिवेशन से इसको अपने सॉल्व करेंगे, मतलब इसका क्या करेंगे अपने गणितीय रूप निकालेंगे। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखी है पहले से जो है अपनी क्या बोलते इसको जो अपने का निर्देशांक होते हैं मैंने पहले से लिख रखे हैं, तो इसको एक बार ध्यान से देख लेना। अब बात करते हैं सबसे पहले ग्राफ की। मैंने लिखा हुआ दूरी, समय, ग्राफ, तो समझ गए होगे कि ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट होगा, किस किस के बीच में बनेगा, दूरी और समय के बीच में। तो सबसे पहले आपको पता है इस टाइप से ग्राफ अपने लेते हैं, ठीक है, ये कौन सी अक्ष होती है एक्स और ये कौन सी होती है वाई। एक्स जो अपनी अक्ष है ना, इस पे हमेशा एक चीज याद रखना, अपने समय ही लेंगे। अगर आपको समय दिया हो ना कि समय के बीच में आपको ग्राफ लेना है, तो एक्स अक्ष पे आप क्या लोगे, हमेशा समय लोगे। समय किसमें दिया अपने को, मिनट में, तो यहाँ पे ऐसे लिख दो सुविधा रहेगी, ठीक है, इस तरफ जा रहा है। अब ये समय यहाँ हो गया, साथ में क्या है दूरी, तो दूरी किस साइड आ जाएगी, इस साइड दूरी किसमें ले लिया आपने, देखो लिखा हुआ है किलोमीटर में, इस साइड क्या आ जाएगी दूरी आ जाएगी। एक्स अक्ष हो गया और क्या हो गया वाई अक्ष हो गया। अब ये जो अपने ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं ना, ये एक समान चाल के लिए चल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि समय जो है ना वो भी एक समान बढ़ रहा है, उसमें दूरी है वो भी एक समान बढ़ रही है। देखो यहाँ देखो, जीरो और बीस के बीच में टाइम पीरियड कितना आ गया, बीस, बीस और चालीस के बीच में कितना है गैप है बीस का, चालीस और साठ के बीच कितना गैप आ गया बीस मिनट का। वैसे यहाँ देखो जीरो से दस के बीच कितना गैप आ गया दस का, दस से बीस के बीच दस का, फिर बीस से तीस के बीच क्या आ रहा है दस का। तो मतलब क्या है, देखो जैसे जैसे टाइम है बीस मिनट बढ़ा फिर बीस मिनट बढ़ा, वैसे ही दूरी क्या है, दूरी में दस दस किलोमीटर का फर्क आ रहा है, मतलब दोनों चीजें बराबर है, तो चाल भी क्या होगी एक समान होगी। एक समान चाल के लिए जो अपने पास है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का अपने को जो है ग्राफ प्राप्त होगा। चलो पहले मान रखते हैं जीरो जीरो, तो आपको पता है मूल बिंदु यहीं पे होते हैं एक्स अक्ष का और वाई अक्ष का। अब आगे बढ़ते हैं, आपने देखो क्या मेजरमेंट्स ली हुई है बीस चालीस साठ, तो इसको सेम ऐसे रखेंगे, जितना डिफरेंस यहाँ पे रखोगे उतना ही आपको दिया हुआ उतना ही रखोगे, बीस मिनट, फिर कितना आ गया आपका चालीस मिनट, फिर कितना आ गया साठ मिनट, आगे और भी बढ़ा सकते हो, साठ से कर सकते हो, साठ में बीस जोड़ो कितना आएगा अस्सी किलोमीटर, लिख लो यहाँ पे चल रहे, यहाँ पे क्या आएगा सॉरी अस्सी मिनट, ठीक है, यहाँ पे दस दस से चार से बढ़ रही हो तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका चालीस किलोमीटर, ठीक है, तो यहाँ एक और लिखिए क्या अस्सी मिनट पे कितना आ गया। अब देखो उधर से कितना है जीरो किलोमीटर, फिर कितना आ गया, अपने यहाँ पे मेजरमेंट भी क्या करेंगे अपने इसकी दस की ही लेंगे, ठीक है, दोबारा से लिखो दस की मेजरमेंट ले लिए, उसके बाद कितना किलोमीटर आ गया बीस, फिर डिफरेंस कितने का है तीस का, फिर कितने का आ गया चालीस का, आगे बढ़ा सकते हो, ये बढ़ेगा वैसे ये बढ़ जाएगा। अब देखो जीरो जीरो तो है, बीस मिनट पे कितने चाल चल रही, कितने कहाँ पे पहुंची दस पे, तो ये रहा बीस और ये क्या रहा दस, उसके बाद देखो चालीस जो है चालीस मिनट पे कितने है बीस किलोमीटर, तो चालीस पे देखो बीस का है ये रहा, यहाँ पे मिला दो। आप लोग स्केल का यूज करना, एक तो अपने ग्राफ पेपर होता है उसमें तो खाने बने हुए होते हैं तो आपको जरूरत नहीं है, सिंपल बेस पे बनाओगे तो स्केल से नाप के ये डिस्टेंस इनके बीच के जो है ना बिल्कुल बराबर रखना। मैं सिंपल बना रही हूँ, गड़बड़ भी हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। साठ पे कितना देखो चालीस पे कितना आ गया बीस, साठ पे कितना आ गया तीस, तो चालीस पे तीस साठ पे कितना आपके पास तीस किलोमीटर, देखो यहाँ पे लगभग आ जाएगा उसका, देखो अस्सी है और यहाँ से कितना है चालीस, तो ये आ गया लगभग, मिला दो इसको, ये देखो बिल्कुल क्या आएगी स्ट्रेट लाइन जाएगी। आगे यहाँ पे अगर अपने पास हंड्रेड हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पचास, तो एक और ले सकते हैं अपने लगभग यहाँ पे बन जाएगी, तो क्या हो गया एक अपने पास जो है सीधी रेखा प्राप्त हो रही है, मतलब अपने को क्या पता चल रहा है जो अपना ग्राफ है जो चाल है वो क्या है एक समान चाल से चल रहा है, अपनी कार है या कोई भी अपने पास व्हीकल वगैरह है। अब अपने इसको ना मैथमेटिकल डेरिवेशन करना है, तो उसके लिए अपने क्या करेंगे दो बिंदु लेंगे इसके, कोई से भी ले लो चाहे ये वाले ले लो, मैंने ये पॉइंट ले लिया और ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया ए,
इस पॉइंट को मैंने नाम दिया बी। मिला दो इस तरह से मिला दो। देखो यहाँ साठ में मिलेगा, मैंने स्केल से नहीं बनाया तो थोड़ा गड़बड़ जा रहा है, ठीक है। यूं मिला दो, अब इधर से मिला दो, ये रहा। अब ये नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है इसको मिला दो, ये लो। ए पॉइंट और बी पॉइंट अपने एक्स अक्ष के साथ और वाई अक्ष के साथ क्या हो गया, मिला दिया। अब देखो इस लाइन को यूं आगे बढ़ा दो, ये बढ़ गई अपने पास, ये इसको से कंप्लीट कर दो। अब अपने को क्या दिया, दूरी और समय दी हुई है, कहा हुआ कि एक समान चाल से चल रहा, तो अपने को क्या ज्ञात करनी है, चाल ज्ञात करनी है। तो यहाँ लगाओ चाल का फॉर्मूला, आप सब जानते हो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। पिछली वीडियोस में सब कुछ किया है अपनों, सारा इसका डेरिवेशन, सारे जो इसका कैलकुलेशन सब किया हुआ है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अब अपने को दूरी लेनी है और क्या निकालना है, समय निकालना है। देखो अपने इसको नाम दे दिया ए बी सी, इसको कह लो बी आ गया और क्या आ गया आपका ई आ गया। अपने अगर इसका क्षेत्रफल निकाल लेना इस चीज का, ठीक है, तो क्या आ जाएगा अपने पास, चाल आ जाएगा, क्योंकि ये चाल उतनी है जितना कि अपनी कार चली है। आप देखो इसको नाम दे दिया एस वन, इसको नाम दे दिया एस टू, क्योंकि दूरी है ये टाइम है, तो इसको क्या कह दिया अपने टी वन, इसको क्या कह दिया टी टू। देखो जितनी अपने को चाल कितनी अपने को इतनी चाहिए, तो अगर इसमें से ये एस टू में से एस वन माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी अपने पास, इतनी चाल आ जाएगी। ये किसके बराबर है, बी सी। तो यहाँ क्या लिखोगे, दूरी कितनी है अपने पास, बी सी। अब देखो अपने को टाइम चाहिए, टाइम अपने को क्या चाहिए, टी वन से लेके टी टू तक, तो ये देखो यहाँ से इसके बराबर है, तो यहाँ क्या लिखोगे ए सी। अब बी सी और ए सी के मान देखो, बी सी एस टू है पूरी, इतनी पूरी एस टू है, एस टू में से क्या करोगे एस वन घटा दोगे तो क्या बचेगी, ये अपने पास दूरी आ जाएगी, तो यहाँ लिखो एस टू माइनस एस वन। सेम होगा टी टू में से क्या कम कर दोगे, इतने में से ये कम कर दोगे तो ये अपने पास क्या बच जाएगा, टाइम बच जाएगा, तो यहाँ लिखो टी टू माइनस टी वन। अब देखो आगे अपने इसको किससे दिखाते हैं, वी से चाल को, वी बराबर क्या फॉर्मूला आ गया, एस टू माइनस एस वन अपॉन में टी टू माइनस टी वन। ये तो अपने पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है, इसमें ये मान रख के भी आप इसको प्रूव कर सकते हो। तो ये तो चलो आ गया अपने एक समान चाल के लिए, समझ आ गया होगा आपको, क्योंकि जो नेक्स्ट है उसमें कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है, वो तो आपको सिंपल समझाने के लिए है। जब सीधा एक समान चाल है तो ग्राफ कैसा प्राप्त होगा, सरल रेखा हमें प्राप्त होगा। चलो ये तो हो गया सिंपल, अब बात करते हैं दूसरे ग्राफ की। इसलिए मैंने दोनों के जो भी मेजरमेंट, जो भी निर्देशांक थे पहले से लिखे हुए थे। अब देखो अब बात करते हैं एक्स अक्ष वाई अक्ष, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। एक्स पे क्या लोगे, समय, समय किसमें है यहाँ पे, मिनट में, ठीक है। उसके बाद दूसरी साइड क्या लोगे आप, दूरी, दूरी किसमें है, देखो दूरी किसमें है, किलोमीटर में, यहाँ क्या लिख लोगे आप, किलोमीटर, ठीक है। जीरो जीरो मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये वाले निर्देशांक जो है जीरो जीरो ही होते हैं इसके। अब इसका चलो अपनी मेजरमेंट लिखते हैं, दो मिनट में कितनी चल रही है एक किलोमीटर, चार मिनट में कितनी चल रही है तीन किलोमीटर। अब दोनों का देखो टाइम कितना आ रहा है, दो मिनट, यहाँ कितना है दो मिनट, इनका गैप कितना है दो मिनट, टाइम तो बराबर है लेकिन दूरी निकालो, बीच में कितना गैप है तीन का, यहाँ कितना गैप है सात का, यहाँ कितना गैप है पाँच का, बराबर है क्या, नहीं है ना, तो अपनी चाल क्या आ जाएगी यहाँ पे, असमान हो जाएगी चाल यहाँ पे, ठीक है। चलो इसको ग्राफ से देखते हैं अपने, जल्दी समझ आएगा। टाइम लिखो सबसे पहले, दो मिनट है, आगे किसके लिए ले रहे हैं, चार मिनट के लिए, छः मिनट, आठ मिनट और दस मिनट, चाहे आगे ले सकते हो क्योंकि दो दो का गैप चल रहा है, ठीक है। उधर देखो अपने एक से शुरू करते हैं, क्या यहाँ से अपनी मेजरमेंट आएगी पाँच से, क्योंकि इक्वल लेना होता है, पाँच किलोमीटर, दस किलोमीटर, फिर क्या आएगा, पाँच पाँच का गैप डाल रहे हैं, पंद्रह बीस और पच्चीस, नाप के बनाना फिर से क्या रही हूँ तो भी डायग्राम सही बनेगा। दो मिनट पे कितनी चल रही है एक किलोमीटर, ठीक है, दो मिनट तो ये रहा, एक किलोमीटर पाँच, एक दो तीन चार और पाँच, एक कहाँ पे हो गया, यहीं पे हो गया, ठीक है। ग्राफ अगर आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो जल्दी समझ आएगा। चार मिनट पे कितना है तीन किलोमीटर, देखो चार मिनट अपने पास, यहाँ पे कितना है तीन, देखो एक दो तीन, लगभग थोड़ा सा ऊपर, पाँच से नीचे
और इसके ऊपर। 4 मिनट पे कितना है? 3 किलोमीटर। 6 मिनट पे कितना आ गया? 10 किलोमीटर। 6 पे कितना आ गया? 10। 8 पे कितना आ गया? 15 किलोमीटर। 8 मिनट हुए जब तक कितने पहुंच गई थी गाड़ी? 15 किलोमीटर तक। तो इसको कर दो, मिला दो, यहीं से मिलेगा यूं इस तरह से। ये ना थोड़ा ऐसे कर प्राप्त होगा, इस तरह से प्राप्त होगा आपको, देखो इस तरह से ऐसे कुछ मिलेगा, ठीक है। तो ये अपने को देखो सरल रेखा नहीं मिल रही, कैसे है? थोड़ी सी क्या करती है, इस तरह से है। मतलब क्या है, कहीं चाल कम हो रही है, कहीं क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो ये क्या है, एक समान चाल से अपने पास क्या आ गया, इसका ग्राफ या निरूपण आ गया। तो मैथमेटिकल डेरिवेशन ही है, क्योंकि चाल क्या है, कम हो ज्यादा हो रही है, तो इसलिए इसका हमने नहीं निकालेंगे। सीधी रेखा प्राप्त हो तो एक समान गति चाल, और अगर कर्व में प्राप्त हो, वक्र या प्राप्त हो, तो असमान चाल से गति। चलो ये तो अपना दूरी समय का ग्राफ हो गया, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपने वेग और समय का ग्राफ। आज का टॉपिक कंप्लीट है।